नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जूनियर एडेड भर्ती जिसे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 के रूप में जाना जाता है, परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ समय के अंदर पीएनपी के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उनके संदर्भ में और साथ में अभ्यर्थियों के द्वारा कितने सवाल किए गए हैं और ओएमआर सीट में किस स्तर तक गलती की गई है, इन सभी बातों को समेटते हुए एक संक्षिप्त विश्लेषण आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न लोगों, विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न जो है चैनल के माध्यम से कुछ विश्लेषण दिए जा रहे हैं, कुछ कटाव दिए जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो आप लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो परिस्थितियाँ हैं और इन जो है कटाव के पूर्वानुमान को कहां तक सही माना जा सकता है, तो इन सभी बातों को देखने के लिए हम लोग पांच महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को यहां पे देखेंगे। सबसे पहले जो है ओएमआर का जो है मैटर है, और दूसरा जो है प्रश्न की चुनौती है, यानी जिसे आप जो है चैलेंज करेंगे। तीसरा एक जो है यहां पे कॉमन नंबर की बात की जा रही, जिसको भी थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है। कॉमन अंक की बात की जा रही जिसे हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, और अगली बात जो है वो क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग जो है मार्क की बात है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और अगला जो है कट ऑफ। ये पांच बिंदुओं को हम लोग यहां पे समेटने का जो प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ओएमआर पर चर्चा कर लेते हैं कि ओएमआर के संदर्भ में सीधा सीधा जो है नोटिफिकेशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी कैंडिडेट के द्वारा उसमें गोला भरने के लिए जो भी रणनीति अपनाई गई, जो भी उसमें त्रुटियां की गई, यह कैंडिडेट का व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये बात पहले भी जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट की गई थी कि आपको व्हाइटनर या इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करना है, यदि गलती करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो परीक्षा के पूर्व में जो भी रणनीतियां हम लोगों ने पहले के लेक्चर में, उसके पहले भी जो भी परीक्षा के पूर्व में, जो परीक्षा से पूर्व क्या रणनीतियां अभ्यर्थियों के द्वारा अपनाई जानी चाहिए उसको हम लोगों ने अपने लेक्चर में बार बार बताया था, और अभ्यर्थियों के द्वारा यदि उसका अनुपालन नहीं किया गया तो उसका खामियाजा उनके सामने है। और लगभग जो 10-15% अभ्यर्थियों के, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिनके द्वारा इस तरीके की त्रुटि और गलती की गई है। सामान्यतः अगर आप तैयारी परीक्षा में कर रहे हैं और गोला भरने के बारे में आपको समझ नहीं है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी जो है समस्या हो सकती है, एक बहुत बड़ा जो है निर्णय रिजल्ट को लेकर के जो है आपके ऊपर इसका जो दुष्प्रभाव भी जो है पड़ सकता है यदि आपने जो गलती किया हुआ। सीधी सीधी बात इसमें ओएमआर के संदर्भ में यही थी कि आपको जो 30-50 सवाल थे जीएस के वो कंपलसरी था, उसके लिए किसी गोला को भरने की जरूरत नहीं थी। बाकी 100 प्रश्नों के लिए आपको जो है सोशल से अगर हैं तो, या जो है लैंग्वेज से तो हैं तो, या आप जो है विज्ञान और गणित से, तो इन तीनों में से केवल एक ही गोले को भरना था, लेकिन लोग सीटेट और टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भाषा के भी प्रश्नों को जो उन्होंने भर दिया, और बाकी दूसरे तरफ आकर के जो समाज विज्ञान या विज्ञान गणित से है तो वहां से भी उन्होंने गोला कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये समस्या का विषय है कि उनके साथ जो कॉपी चेक करने के लिए जो है निर्णय लिया जाना जो बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि कॉपियां जो है मैनुअल नहीं बल्कि कंप्यूटर की व्यवस्था के अंतर्गत चेक की जाती हैं, और एक साथ अगर वो दो हिस्से ऑप्शन को जो फिल किया गया है तो ऐसी स्थिति में वहां पे बहुत ही कठिन समस्या होगी जो मशीन के समक्ष की, वो कंप्यूटर की व्यवस्था उसको कैसे स्वीकार कर पाएगी। इसी कारणों से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन लिया जाना संभव नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ओएमआर की स्थिति इस प्रकार से रही है। प्रश्न की चुनौती को लेकर के जो है ₹500 जो है प्रति क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है ये है व्यवस्था कि आप जो चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप उसके जो है पृष्ठभूक और सारी चीजों को आप डिटेल में देते हैं। यदि आपकी जो है ये चैलेंज सही माने जाएंगे तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें भी 2-3 सवालों को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई, बहुत ही नजदीकी मामला है, वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। यह आपके जो है सोर्सेज और पीएनपी के द्वारा जो है मिलान के ऊपर निर्भर करेगा कि इस पे जो है प्रश्न की चुनौती पर क्या करते हैं वो लोग। तो आप ये चाहे तो आप इस पे जो है प्रश्न की चुनौती दे सकते हैं। अगला जो है कॉमन अंक को लेकर के जो है है यहां पर एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि अलग अलग लोगों के द्वारा जो है अभ्यर्थियों को यह बताया जा रहा है कि कॉमन अंक आप लोगों को मिलेंगे, इसका क्या अर्थ है? कॉमन अंक मिलेंगे इसका क्या अर्थ है? इसमें तो नुकसान केवल उन लोगों का है जिन लोगों ने उस प्रश्न को सही किया है, या जो लोग जो है उस प्रश्न को सही कर सकते हैं।
यदि कॉमन अंक दिया गया तो सबको अंक मिलेंगे, ऐसी स्थिति में उसके जो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि सभी लोगों को मार्क्स दे दिया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे केवल अच्छे लोगों का नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में कॉमन अंक देने की जो प्रक्रिया है वो गलत है। हमेशा से चैलेंज करने के बाद जो है कमीशन या परीक्षा नियामक प्राधिकारी या किसी भी जो है कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को हमेशा जो है उस प्रश्न को सही करना चाहिए और जिन कैंडिडेट ने सही किया है उनको अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। तो कॉमन अंक देने से जो है केवल अच्छे बच्चों का नुकसान होता है। और जहां पर कटाव का सवाल है, यदि सभी लोगों को चार अंक किसी में परीक्षा में दे दिया जाए तो कटाव चार अंक ऊपर चला जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, तो इसलिए इस भ्रम को मैं यहां पे दूर करना उचित समझा, इसलिए कॉमन अंक को बात किया। क्वालिफाइंग मार्क्स 60 और 65% यानी कि 90 और 97 अंक का कोई निहितार्थ नहीं बनता है, क्योंकि कटाव जब इससे ऊपर जा रहा है तो इस क्वालिफाइंग का कोई मतलब नहीं। और सामान्यतः ऐसी जो है परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें क्वालिफाइंग का कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। यदि प्रश्न की स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो कट ऑफ कम होते हैं, और प्रश्न सरल होता है तो कट ऑफ जो है ऊपर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाइंग की व्यवस्था वहाँ की जाती है, जहाँ एकेडमिक स्तर की बातें हो, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्वालिफाइंग का कोई मतलब नहीं है। चूंकि सीटें आप लोगों के लिए जो अभी तक बताई गई हैं वो काफ़ी कम हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरिट जो है प्रश्न पत्र की सरलता के आधार पर ऊपर ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई औचित्य विशेष रूप से जो है नजर नहीं आता है। अगली बात रही कट ऑफ के बारे में, जो कि अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा बताई जा रही है। चूंकि इस परीक्षा में जितनी पेचीदगियां जटिलताएं हैं उसके आधार पर किसी भी स्पष्ट रूप से कट ऑफ की बात अभी भी नहीं किया जा सकता है। कट ऑफ के बारे में कोई एक विशेष अंक बता देना पूरी तरीके से जो है पूर्वाग्रह और कल्पना पर आधारित जो हो सकता है, या जो भी कैंडिडेट जितना करता है उतने को ही जो है वो कट ऑफ मानता है। अब इसके पीछे की भी रणनीति यह है कि इसमें अभी सीटें ही कंफर्म नहीं है कि कितनी कितनी सीटें किस विषय को, अगर 1500 से 1800 सीटें किसी पूरी भर्ती में बता दिया जाएगा और 4 सेक्शन 5 सेक्शन में जो है आपकी सीटें बटी हों, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और अंग्रेजी, 4 से 5 सेक्शन है। अब इन सीटों का वर्गीकरण किस तरीके से होगा, कितनी सीटें खाली हैं, ये आने वाले समय में क्लियर होंगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता मेरिट कहाँ जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरिट, आपके मेरिट बनाने में भी जो है केवल प्रश्न ही नहीं बल्कि जो गुणांक जो आपके बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के कई एस्पेक्ट उसमें शामिल है, जिसके आधार पर भाई आप प्रश्न वहां पर ज्यादा करके आए हैं। अगर आपके गुणांक कम है तो भी प्रभावित होगी, दोनों ही सामान्य तो भी प्रभावित होगी, दोनों में अच्छा किए तो भी। तो इस तरीके से कई ऐसे जो है पहलू हैं जो इसके मेरिट का निर्धारण करेंगे, जिसके आधार पर केवल आप परीक्षा के मिले हुए अंक को ही आप क्वालिफाइंग करने का आधार और उसके आधार पर कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और दूसरा OMR में जो गलतियां की गई हैं कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि काफी ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं, काफी ऐसे कैंडिडेट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा इस तरीके की त्रुटियां OMR सीट में जो है की गई हैं, तो इन सभी बातों के आधार पर कट ऑफ निश्चित नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ये कहा जा सकता है कि लगभग कितने क्वेश्चन होंगे तो ये अच्छे जो है कैंडिडेट की जो है अच्छे कैंडिडेट के द्वारा किए गए प्रयास के रूप में माना जा सकता है। अब जैसे जो GS के प्रश्न थे जिसके साल भी हमने जो है चैनल पर उपलब्ध करवाया था, अब उसमें जो है 35 से लेकर के 38 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट के द्वारा किया गया है, तो वो 37-38 क्वेश्चन अच्छे कैंडिडेट के द्वारा जो किया गया, मतलब एक अच्छा कैंडिडेट है अगर उसने तैयारी बेहतर है तो वो 50 में वो जो है वो 37 से लेकर के जो है 38 क्वेश्चन यानी कि आउट ऑफ 50 वो जो है क्वेश्चन कर सकता है। यानी कि अब ये भी है कि कोई 41 भी कर दे तो वो रेयर कंडीशन होगा, लेकिन 37 से 38 क्वेश्चन वो किया जा सकता। अब इसमें भी कई प्रकार की और समस्याएं हैं, अगर वो सोशल का कैंडिडेट है तो इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन वहीं अंग्रेजी और हिंदी का विशुद्ध रूप से अगर TGT या PGT की तैयारी करने वाला कैंडिडेट है तो इसकी संख्या घट करके वो जो है 32 से लेकर के जो है 35 भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो कभी सोशल के सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं करता है और GS में ज़्यादातर सवाल वो सोशल से पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशंस की संभावना है, काफ़ी कुछ पहलू हैं जिनको रिजल्ट आने के पहले और कट ऑफ घोषित होने के पहले निश्चित और निर्धारित नहीं किया जा सकता है। और इसी तरीके से अलग अलग विषयों में भी मार्क्स मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए जो एक स्थिति है अपने मूल्यांकन का आधार है वो यही है कि आप अपने विषय की अपनी तैयारी के आधार पर सोचिए कि आपने क्या कोई साधारण गलती तो नहीं किया है। पहली बात OMR सीट की गलती है, अगर OMR सीट में
कोई गलती आपने किया है तो आप मान के चलिए कि आप जब नोटिफिकेशन आ गया है तो उसके बाद आप अपने आप को जो है बाहर ही मान करके चले, क्योंकि अनावश्यक रूप में जो खुश होकर के परिणाम आने के बाद जो है उस स्थिति को झेलना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो OMR सीट की गई गलती जो है कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकती है आप लोगों के ऊपर। और दूसरी इसमें जो है बात यह है कि अगर आपने सामान्य प्रश्नों को गलत नहीं किया है और आपको प्रतीत हो रहा है कि आपने सामान्य क्वेश्चन सही किए हैं और कठिन सवालों को भी आपने कुछ कर लिया है, तो ये मान के चलिए कि इस आधार पर आपके चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी कटाव के बारे में कोई भी व्यक्ति अभी से जो है स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। तो उम्मीद करते हैं कि जो विश्लेषण आपको प्रस्तुत किया जा रहा है आपको वो पसंद आया होगा, और ये विश्लेषण बहुत ही वास्तविक धरातल पर खड़े होकर के विभिन्न कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए जो है सवालों की संख्या के ऊपर आधारित था, उनकी गुणांक को जो है देख करके तुलना करके जो है बताया जा रहा है। इसलिए इसमें किसी अस्पष्ट कट ऑफ को बताया जाना जो है कठिन प्रतीत होता है। तो आज के इस लेक्चर में जूनियर एडेड भर्ती जिसे शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के रूप में जाना जा रहा है के बारे में एक स्पष्ट और यथार्थ विश्लेषण था। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।